अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने रेड रेड का टब जो था वो चंक बनाने के लिए सेट करके रखा हुआ था, तो अभी मैंने कुछ मिनट्स पहले इसको बाहर निकाल के रखा है और इसको मैं मे बी इसके चंक बना के इस तरह से थोड़ा सेट करके रख दूँगी इसको साइड पर, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में टब पड़ा हुआ है तो मुझे मसला होगा आने जाने में, काम करने में। तो मे बी मैं इसको भी थोड़ी देर तक ना इसको चंक बना के इसके रखूँ साइड पर। ये देखें, ये देखें, ये मैंने कैमरा ऑन कर मैंने वीडियो बनाते हुए नहीं निकाला, क्योंकि इस तरह ना फिर काम की तरफ आपका फोकस नहीं हो पाता सही से, तो चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऑफ कैमरा ही इसको निकाला बाहर। और जैसे पहले निकाले थे टब्स, मैंने इसी तरीके से ही निकाला। चलिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैंने कल जो अपना क्या कहते हैं, अच्छा तो ये टेक्सचर की मैं पोरिंग करने लगी हूँ, और फिर मैंने वहाँ पे जो शेड्स पड़ी हैं ग्रिटी सैंड की, मुँह में मास्क पहनू मोम देखा आपकी वैसे ऐसी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। अच्छा तो वो जो शेप्स पड़ी हैं ग्रिटी सैंड की, मैंने वो शेप्स की वीडियो बनानी है, मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा दिया हुआ मैंने। अच्छा तो चले काम करते हैं फिर जल्दी से, तो दो वीडियोस भी बनानी है इंशाल्लाह, जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगी। तो चल स्टार्ट करते हैं। ये टेक्सचर थोड़ा डैम्प है, फुल ड्राई नहीं है, इसका साउंड भी थोड़ा कम है। प्यारी खुशबू है इस टेक्सचर की, बहुत मज़े की। अच्छा मैंने इस टेक्सचर की फोल्डिंग कर ली है और ये इंशाल्लाह हार्ड नहीं होगा, जो भी इसकी सख्ती थी एक बार में निकल गई है। और मैंने इसको कल ही स्विफ्ट करके क्रश करके तैयार कर लिया था, उसका ब्लॉग भी आपको मिल जाएगा देखने को। एक मिनट कार चेक कर लो। तो मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ और इस टेक्सचर को मैं इधर ज़मीन पे निकाल के इसकी शेप्स रेडी कर लूँगी थोड़ी देर तक, तो अभी के लिए मैं दूसरा काम कर लूँ जाके, फिर मिलती हूँ भाई आपसे। तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, साउंड कम हो गया। खैर चलो इसको बाद में देखेंगे, ये बोतल उठा के रख दो आवाज आएगी। ओह इतनी हैवी शेप्स थी ना ये। आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो होती है ना स्टोनी टेक्सचर्स, कॉन्क्रीट वाले या फिर जो हमने खुद से स्टोन वाले टेक्सचर बनाए होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं। और ये जो शेप्स मैं उठा के क्रम्बल कर रही हूँ बहुत हैवी वेट्स होते हैं, हैवी वेट्स कह रही हूँ, मत बजती हूँ, मतलब बहुत ही भारी शेप्स होती हैं ये। तो जब बंदा इनको क्रम्बल करता है तो लग पता जाता है बंदे को, तो बड़ा बैलेंस करके हर काम को करना होता है। लेकिन मज़ा आया वीडियो बना के, टेक्सचर मज़े का था, सॉफ्ट भी था और क्रम्बल करते हुए काफ़ी मज़ा आया करते। अब मैं इसको टेक्सचर को बाहर निकाल देती हूँ। और एक और चीज़ मुझे कहनी थी, वो मैं आपको टेक्सचर निकालने के बाद कहूँगी। टेक्सचर को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है जा रही है। चॉकलेटी केक
ये टेक्सचर को हम बाहर निकाल दें, पता नहीं मैंने शक्ल नहीं देखी, शक्ल नहीं देखी। ये देखिए मैंने टेक्सचर को हटा दिया। अच्छा मैंने कहना था, मुझे ना कमेंट याद आया, अनस मलिक का वो जो राबे हैं, मुझे कह रही थी अब जान के पानी ज़्यादा डालती हूँ, आप कम पानी डाला करो। मैं जान के नहीं डालती है, मैंने अपने आप को क्यों मुसीबत में डालना है। अगर टेक्सचर लिक्विड होगा या टेक्सचर ज़्यादा लिख क्या कहते हैं शेप से बना सकूँगी तो मेरा हर्ट जो होगा, मेरा काम वेस्ट, टाइम वेस्ट होगा, टेक्सचर को एक दिन के लिए डिले करना पड़ेगा बनाने से, बनाने के लिए। तो जितनी अफरा तफरी में हम काम कर रहे होते हैं ना टेक्सचर को, वीडियोस को बनाने के लिए, होता है कि इर्द गिर्द कुछ और ना आना शुरू हो जाए या फिर कोई काम में डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस वजह से बंदे को नहीं समझ आती क्या कर रहा है वो। तो जल्दी जल्दी में जितनी क्वान्टिटी में पानी डलता है टाइम में वो डाल के हम वीडियो ठीक आने वाली हुई है, मैं इसलिए बोला भी नहीं जा रहा। तो जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी में हम काम करने लगे होते हैं तो इस वजह से कोई ख्याल नहीं रहता है। तो आप जान के कोई क्यों अपने आप को स्यापे में डालेगा। तो ये मुझे याद है, मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि अक्सर टेक्सचर भी जब पानी ज़्यादा डल जाता है ना, उसके पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं होता है, जस्ट वो रैंडमली कह रहे डल जाता है बेतरतीबी में, रैंडमली बेतरतीबी एक ही बात है। एक चीज़ मैंने और याद आई, मुझे ना मैंने ये परसों डिवाइडेड की वीडियो बनाई है, मैंने जस्ट मजाक के तौर पे भी मैं लिख दिया कि मुझे इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन टब हाली हो गया, ये मुझे छींके जब आते हैं तो कहते हैं मैं छींके आ रही है, खांसी हो रही है। अच्छा हाँ, मैंने 1 मिलियन व्यूज लिख दिया था, फिर मैं आई वॉन्ट 1 मिलियन व्यूज ऑन दिस वीडियो। तो भाई जानती हूँ मेरा काम जितने काबिलियत रखता है उसके मुताबिक उसने व्यूज गेट कर लिए। तो इसमें अगर हम अपने दिल की ख्वाहिश या कुछ जाहिर कर दें कि हम ऐसा चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ख्वाबों पे तो पाबंदी नहीं है ना, ख्वाहिशों पे तो पाबंदी नहीं है। कि आप कहते इतना चाहते हो तो आपको वो नहीं मिल सकता है, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब अल्लाह के काम है। अल्लाह जिसे चाहे, जिसे कुछ सोचा भी नहीं होता उसको वो चीज़ अदा कर देता है। तो जब हम अल्लाह से कोई उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से कुछ मांगते हैं, तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर एक ना दिन ज़रूर वो चीज़ आपको अदा करता है। इसमें कहते हैं कि हम अगर कह रहे हैं ना कि हमें इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं मांग रही उसी दिन तो मुझे उसी दिन ही मिल जाएंगे, और मैंने अगर कह दिया तो इसमें कुछ गलत कह दिया मैंने, ये सब अल्लाह के काम है। अगर मैंने कहा अल्लाह जी मुझे 1 मिलियन व्यूज़ चाहिए, आप लोगों के सामने मेरी वीडियो में अगर बोला है, जस्ट मैं अपनी एक ख्वाहिश बता रही हूँ आपका, उसको प्लीज़ नेगेटिव मत लेना या उसका मजाक मत बनाना। जिन्होंने दुआ की मेरे लिए कि अल्लाह आपको दे इतने, इंशाल्लाह आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेगेटिव कमेंट आके कर रहे हैं उनको भाई मैं क्या कह सकती हूँ, जो जैसी जिसकी सोच है वैसी अपनी आके वो कमेंट कर देता बंदा। भाई पुकारी और जो मैं कमेंट चंक तोड़ देती हूँ ना, उसको मैं उसको दिल पे ना लिया करें। जो चंक मुझे रखने होते ना वो मैं रख लेती हूँ, जो टेक्सचर का मुझे पता होता है ये हार्ड नहीं होगा इतने ज़्यादा चंक बनाने के बाद, तो मैं उसको रख लेती हूँ। जो नहीं ना वो हो जाते हैं हार्ड, मैं उनको नहीं रखती है, चाहे चंक कितने प्यारे लग रहे हो। और एक
सब्सक्राइबर आके कहती हैं आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके कहने पे चुप हो जाए या कोई आपकी वीडियो में, तो देखें हम नेबर्स हैं, एक दूसरे से बातचीत हमारी होती रहती है, हम एक दूसरे का ज़रूरत की जो ज़रूरत हो हम दूसरे के एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। मैं कोई रैंडम पर्सन से बात नहीं कर रही है, मैं किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर रही है कि भाई आप चुप कर जाए मेरी वीडियो के लिए कुछ भी, ठीक है। वो मैं ना उनको जानती हूँ ना मैं उनको कहूँगी, हमारी इतने दूर एरिया में इतने लोग हैं, हम उनको उनकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम भी कि वो या वो हमारी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमारे काम के लिए थोड़ा सा हमारा साथ दें या हमारी हेल्प करें या हमें समझें हमारे इस काम को लेकर और हमारी क्या कहते हैं चुप हो जाए, नहीं। जो हमारे नेबर्स हैं, हम जिनसे हम बातचीत करते हैं, जो हमारे आप जानने वाले हैं, उनको अगर हम कह देंगे तो वो समझेंगे, वो हमारी हेल्प भी करेंगे। इस वजह से अगर हम किसी को कह रहे हैं ना साथ वाले कि आप चुप कर जाओ या वे वो या वो ये सब, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक और बात वो कहती है आप अजान की टाइम वीडियोस मत बनाया करें। आप मेरी चीज़ वीडियो मैंने जो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बहुत हया करती हूँ, और वैसे भी जैसे अजान होती है मैं अपना काम छोड़ के नमाज़ पढ़ने चले जाती हूँ, मैं काम भी नहीं उस दौरान करती है। जब अजानें हो जाती हैं मुकम्मल उसके बाद जाके मैं अपना काम शुरू करती हूँ, और ये चीज़ का ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है खुद कि हम नमाज़ अजान के दौरान हम काम करेंगे तो हमें इसी का गुनाह मिलेगा। हाँ कई बार मगरिब का टाइम जब करीब हो जाता है और मुझे मेरी शेप से रेडी होने वाली होती है तो मैं जल्दी जल्दी मैं काम करती हूँ कि मुझे नीचे जाके अंधेरा होने वाला हो गया तो मैं जल्दी जल्दी इसी टाइम के अंदर अंदर ही वीडियो शेप्स बना के चले जाऊँ ताकि मेरा नमाज का टाइम जो है ना वो ज़्यादा डिले ना हो। तो ये चीज़ का मुझे खुद ख्याल है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बात की। और जो नेबर्स की बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो जो लोग हमें जानते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं उनको एक दूसरे की हमें हेल्प भी करनी चाहिए। अगर उनको हमसे कोई हेल्प चाहिए होगी हम उनकी करेंगे, अगर हमें उनसे कुछ चाहिए तो हम उन्हें हमारी करनी चाहिए, ठीक है। हम सायों पे हकूक होते हैं तो हम अपने हकूक जो है ना एक दूसरे के लिए अदा कर सकते हैं। दैट्स इट। चलें जी मैंने टेक्सचर क्रम्बल कर लिए, अब इसकी शेप्स बना के रख दूँगी तो बोले टेक्सचर भी बाहर निकालना है तो चलें उसको भी निकालते हैं बाहर जाके। अच्छा ये टेक्सचर को मैं बाहर निकालती हूँ और इसकी शेप्स बना के रखते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं। चले निकालने लग रही है मेरे टेक्सचर को ये। लेट्स Going about. What you mean, John? इसकी इंग्लिश निकल जाती है, कैसी इंग्लिश निकलती है ये अब यही जान। ये देखिए अब ये ड्राइड अप टेक्सचर होगा, मुझे इसका इंतज़ार नहीं कैसी वीडियो उसकी बनती है, कैसा टेक्सचर बनता है। अच्छा ये मैं टब को ना रिटर्न कर दूँ फिर मिलती क्यों दिखाती हूँ। अच्छा जूता पीछे करो, चलें जी हम इस टब को निकालते हैं बाहर। और क्या टेक्सचर है, ये
नहीं रखे, कितने सॉफ्ट हो गए पानी डाल के ज़्यादा। चलें जी, ये भी मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैंने इसको शेप्स देखी इसकी कौन सी बनानी है मैंने। फिर मिलती हूँ आपसे। मैं ये शेप बना रही हूँ, ये वाली, ठीक है। इसको हम निकाल के एक एक दो दिखा देती हूँ, बाकी मैं बनाते बना के दिखाऊंगी आपको सारी। ये देखें, जो स्टील्स की शेप होती है, जो होते हैं ना मॉल, जो भी ये जो होते हैं, इनमें टेक्सचर बहुत जल्दी, अब जिस तरह मर्जी उनको निकालो शेप्स को, ये टूटते नहीं है और ये बेस्ट रहते हैं आपके लिए शेप्स बनाने के लिए। चलो ये शेप दिखा के दिखा रही हूँ, बाकी मैं जब बना लूँगी तब आपको दिखा दूँगी। अभी के लिए मैं इतना ही, क्योंकि ये देर होने वाला है, जल्दी जल्दी मेरे काम निपटाना है अपना। उफ़, मिलते हैं भाई बाद में, व्लॉग एंड करके बोलूँगी, जब एंड करना होगा व्लॉग का तब मैं दिखा दूँगी, जब सब शेप्स बन जाएंगी। अभी के लिए इसको इधर ही छोड़ते हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने सारी शेप्स बनानी है और अब मैं नीचे जाऊँगी जल्दी से अपना काम जो बाकी करा के कंप्लीट करके। और ये सब मेरा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कोई बुरी बात लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत करूँगी आपसे। और अभी व्लॉग एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।